नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक अपने दोस्त के व्हाट्सएप स्टेटस में जो भी इमेजेस रहती है या वीडियो रहती है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त के व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारी अच्छी इमेजेस या अच्छे वीडियोस होते हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं और आपको भी वो स्टेटस में रखने होते हैं, लेकिन वो आपको उससे मांगने पड़ते हैं। अगर कैसा होता अगर वो इमेजेस या वो वीडियोस आपके अपने खुद के फ़ोन में ही आ जाए तो आज के वीडियो में हम यही ट्रिक जानने वाले हैं। यहाँ पे हम मेरा WhatsApp अकाउंट ओपन करने वाले हैं और यहाँ पे एक दोस्त ने उसका स्टेटस रखा हुआ है जो कि एक इमेज और एक वीडियो है। अब ये वीडियो अगर हम देख रहे हैं और उसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो वो कैसे करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, उस दोस्त का मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं कि ये वीडियो जो है और ये इमेज जो है वो मुझे भेज दो, ये मुझे अच्छी लगी है। तो ये उससे मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये आपके अपने खुद के मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली सेव होता है। तो उसके लिए आपको एक फाइल मैनेजर की ज़रूरत होती है और वो फाइल मैनेजर जो है वो अपने आप खुद के मोबाइल में ऑलरेडी रहता है, यानी कि सैमसंग जैसे मोबाइल्स में खुद होके फाइल मैनेजर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास फाइल मैनेजर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल मैनेजर की लिंक दे रहा हूँ, ES फाइल मैनेजर करके, बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, तो वो फाइल मैनेजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर है, वो मैं ओपन कर रहा हूँ और ये ओपन करने के बाद मैं जो है वो मेनू पे जाऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं इंटरनल स्टोरेज पे जाऊँगा, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए व्हाट्सएप के फोल्डर पे जाऊँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस और मीडिया नाम की दो ही फोल्डर्स हैं। तो मैं यहाँ पे इस मेनू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मेनू ओपन हो जाएगा और वहाँ पे लिखा होगा सेटिंग्स। तो मैंने वहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके बाद ये जो ऑप्शन है हाइड फाइल सिस्टम फाइल्स, ये जो चेकड है उसे मैं अनचेक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बैक जा रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फोल्डर्स अपने आप बढ़ गए, यानी शेयर्ड और ट्रैश। तो ये डॉट से शुरू होते हैं, यानी ये सिस्टम फोल्डर्स हैं जो कि नॉर्मल यूज़र को नहीं दिखते। जब आप वहाँ मेनू में जाके आप हिडन फाइल वाला ऑप्शन ऑफ कर देंगे तभी जाके आपको ये दिखेंगे। अब मैं मीडिया में जा रहा हूँ, उसके बाद ये जो है डॉट, ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं उसमें जो है यहाँ पे आप स्क्रॉल करने के बाद आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। पहला ही फोल्डर होगा डॉट स्टेटसेस करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने स्टेटस इमेज देखी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और जो वीडियो हमने देखा था स्टेटस में रखा हुआ तो वो भी वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। लेकिन ये वीडियो और ये इमेज आपके गैलरी में नहीं दिखती क्योंकि वो जो है वो हिडन फोल्डर में है। इसीलिए अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको जो है वो मूव करूँगा। मैं यहाँ से मैंने मूव कर दिया, मैंने इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब क्या होगा, ये हिडन फोल्डर से निकल के आपके नॉर्मल फोल्डर्स में चला जाएगा। इसके वजह से ये वीडियो जो है वो आपको गैलरी में दिखना भी चालू हो जाएगा और ये आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस के इंटरेस्टिंग वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं तो व्हाट्सएप तड़का नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसी लगी ये ट्रिक मुझे बताना ना भूलें नीचे कमेंट्स लिख के। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप अपने सुझाव और
सजेशंस कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।